तो हिंद की चादर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व राज्य स्तरीय पर पानीपत में मनाया जा रहा है। हरियाणा ही नहीं देश भर के लोग यहां माथा टेकने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। तो वहीं पानीपत से जी आयानु यानी कि आपका स्वागत है का संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेने की जरूरत है, हमें गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर में 60 एकड़ की जमीन में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसका नाम गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। जड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं उदे औरे दे प्रभाव विच उदे असर विच मंच से विराजमान साढ़े संत साहिबान ग्रंथी साहब साढ़े वक् वक् पार्टियां दे अड़ अड़ जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच आज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाई है उथों तक साड़ी साध संगत दिख रही है विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने अजे लोग इत्थे पहुँचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आया नूं कहना प्रणाम करना सब का स्वागत करना है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस ऐतिहासिक शहर विच न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा आज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल सांझा करना चाहना हाँ कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। ते जिहड़ा मुख मार्ग जिहड़ी सड़क जीटी रोड तो इत्थे समागम स्थल तक आ रही है जिथों असी सारे लंघ के आया हाँ उस रस्ते का ना उस मार्ग का ना श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। अज का दिहाड़ा भी असी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिहाड़ा हो गया है। पानीपत ये वो शहर है जिथे प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी 1507 तो लैके 1515 तक दो बारी इत्थे पहली और दूसरी उदासी वेले उन्हां दा इत्थे आगमन होया ते उन्हां दे आगमन दे कारण ही इत्थों दी साध संगत ने इत्थे पहली पातशाही गुरद्वारा ये भी स्थापित किया है। इस करके ये स्थान अपने आप च इतिहासिक। और एक लड़ाई सन 1761 च पानीपत दा जिहड़ा तीसरा युद्ध किया जाता है जड़ा मराठिया ते मुगलां दे विच होया सी। कुछ लोग कहते कि मुगलों की हार मराठिया की हार हुई लेकिन मैं कहना कि उस लड़ाई दे विच मराठिया का बहुत वड्डा योगदान यह सी कि मुगलों इत्थे रोक लिया गया और अगे देश दे विच जिहड़ा उन्हां दा आक्रमण हमला जारी सी उस नूं रोकण का काम अगर किसी ने किया तो वह मराठिया ने किया। इस करके अज जिहड़ा ये स्थान है ये स्थान भी इतिहासिक है ये दिन भी इतिहासिक है। भाइयों बंधुओं ये उत्तर भारत ये गुरुओं की धरती है ये महापुरुषों की धरती है। हम देखते हैं सारा चाहे पंजाब है चाहे हिमाचल है उत्तराखंड है हरियाणा है दिल्ली है उत्तर प्रदेश है राजस्थान है ये सारा इलाका गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरुओं ने यहाँ भ्रमण किया महापुरुषों की धरती कहलाती है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के संतों के महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं उनकी शताब्दियां आती हैं अर्ध शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का
550 साल प्रकाश उत्सव, वो भी हमने हरियाणा में मनाया। चाहते हैं कि संतों के महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए, उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। आखिर तो इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उदाहरण ले रहे हैं, कुर्बानी शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां उनको सहजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बात हो, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यात्रा 1469 में ननकाणा साहब से शुरू होती थी। आज ननकाणा साहब जिसका वो जो स्थान है, देश के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी ननकाणा साहब के प्रति उतनी है। और फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते और दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जब वो यात्रा पूरी की उन्होंने, और वो नांदेड़ में 9 अक्टूबर 1708 को ये दशम पातशाही की यात्रा यहां पूरी होती है। लेकिन गुरु साहब ने उस समय जो कहा, उस समय कहा कि अब आगे देह स्वरूप गुरु नहीं रहेगा, बल्कि अब गुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको ही हम गुरु मानेंगे। और जो श्लोक आता है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल से तभी चलायो पंथ। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी वो उसी के आधार पर कि अब ये पंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करेंगे सभी 10 गुरुओं के। और उस समय के जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उस समय के विचार कलमबद्ध विचार हैं, वो सब के सब गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने के बाद हमको मिलते हैं। हमारी जीवनी में, हमारे जीवन में सदमार्ग के रूप में हम चलें तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता हमको मिलता है। इसमें देश आजाद हो गया, आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वो कश्मीर, जिसके कारण से गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, उस कश्मीर की स्थिति लगातार 300 साल के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि वहां के कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार अभी भी होते रहे हैं। ये तो उजागर किया, अभी हमारे जो कश्मीर फाइल फिल्म जो देखी हमने, उसके अंदर उन सब अत्याचारों का वर्णन है। और उन कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वहां के जो कानून थे, उन कानूनों में एक 370 का जो धारा थी, उसको समाप्त करने की आवाज जब उस समय से उठ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई कि एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, ये लागू होना चाहिए, जो अभी तक लागू नहीं था कश्मीर में। कश्मीर हमारे से अलग बनी रही, लेकिन मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिनके सदप्रयत्नों से बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बहुत बड़े विरोध के और 370 धारा को समाप्त कर दिया। मैं आज मानता हूं कि कश्मीर, जिसकी आवाज कश्मीरी हिंदियों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने उठाई थी, वो जब बात उस समय शुरू हुई थी, आज निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा और वहां के हिंदुओं की किसी प्रकार की जो दुविधा है वो समाप्त होगी। और निश्चित रूप से ये काम जो पूरा होगा, इस नाते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई बनो, अभी देश की आजादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और इस 75 साल के बाद ये जो कार्यक्रम है आज हम कर रहे हैं, 400 साल अमृत महोत्सव, ये 400 साल जो प्रकाश उत्सव है, ये भी उस